हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में जो है हमने एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा था और उनके कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि क्या क्या विशेषताएं होती है किसी एरोमेटिक कंपाउंड की। उसके बाद जो है हमने एक-एक करके डिस्कस करना स्टार्ट किया था पॉइंट्स को एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड, उनकी विशेषताओं से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था कि ये इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है और इनकी रेजोनेंस एनर्जी हाई क्यों होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड देता है। उसके बाद हमने कहा था, डिस्कस किया था प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, इसको हम आगे और डिटेल में करेंगे। ठीक है, ये जो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि हक्कल रूल को फॉलो करता है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, इसको और आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हक्कल रूल को फॉलो करने का क्या मतलब है? हक्कल का सिंपल सा रूल था, हक्कल रूल था कि एक जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एक जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो फॉलो करता है 4n+2π सिस्टम को, फॉलो करता है 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम रूल को, राइट। देखो 4n+2π इलेक्ट्रॉन रूल क्या था, जिसको हमने हकल रूल भी कहा है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन। उसमें हमने कहा था कि n जो है वो 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं कि अगर n की वैल्यू 0 रहे तो फर्स्ट पॉइंट, n की वैल्यू अगर 0 रहे एन की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, +2π इलेक्ट्रॉन। और ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 2π इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 × 0 तो क्या हो गया है, 0 ही हो गया है, पीछे 2 ही बचा है, तो 2π इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर एन की वैल्यू हम 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 × 1 + 2π इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हो गए, 6π इलेक्ट्रॉन। फाइन, थर्ड अगर रख दें हम n इज इक्वल टू 2, तो ये 4 × 2 + 2π इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, 10π इलेक्ट्रॉन। लास्ट करती हूँ मैं, आप कितना भी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि अभी हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसको और क्लियर होगा आपको। n इज इक्वल टू 3 रख दे तो 4 × 3 + 2π इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 14π इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए जब हम n की वैल्यू पुट करते जाते हैं 0, 1, 2, 3, तो आपके पास जो ये वैल्यूज मिलती है पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर जो मिलता है, अगर किसी भी कंपाउंड में ये नंबर है या फिर इससे ज्यादा, यहाँ पे 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि नहीं, ऐसे नहीं, मुझे तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये तो बात हो गई, अगर n इज इक्वल टू 4 रख दो तो आप कुछ भी यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख के बता सकते हो। ठीक है, ये 16 हो गया, ये 18 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे 18π इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूल में होंगे और वो प्लेनर होगा और वो कॉन्जुगेटेड होगा उसके पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और साइक्लिक होगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। ठीक है, कितना, 2π इलेक्ट्रॉन है, पहली कंडीशन तो क्या, साइक्लिक है, प्लेनर हो और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे उसे कि फिर जो है इसके ये भी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इतने भी।
टू पाई, सिक्स पाई, फोर पाई, 14 पाई, ठीक है, 18 पाई, इस तरह के इलेक्ट्रॉन भी हो तो वो हमारा कंपाउंड क्या कहलाता है, वो कंपाउंड फिर हमारा कहलाता है एरोमेटिक कंपाउंड। वो कंपाउंड क्या कहलाता है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये था कि हक्कल रूल क्या होता है और हक्कल रूल का एरोमेटिक कंपाउंड को समझने में क्या रोल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हक्कल रूल आपका। चलो तो ये था नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हक्कल रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या प्रॉपर्टी थी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि उसमें रिंग करंट जनरेट होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें डायमैग्नेटिक रिंग करंट होता है, क्या डायमैग्नेटिक रिंग करंट होता है, देखते हैं किस तरह से, प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक रिंग करंट, प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक रिंग करंट, या फिर आप इसे कह सकते हैं हिंदी में प्रतिचुंबकीय वलय धारा की उपस्थिति। देखना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहां पे इसको समझने के लिए मैं लेती हूं एक बेंजीन, इसको समझने के लिए मैं यहां लेती हूं बेंजीन। बहुत मजेदार टॉपिक है ये, मजा आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ते हो और इंटरेस्ट लेके इसको और ज्यादा सीखने की अपने लेवल पे भी ट्राई करते हो। यूं नहीं कि बस क्लास में पढ़ा और हो गया, अपने लेवल पे भी बुक्स ढूंढते हो, ठीक है। आपके पास होगी बुक्स, आपने खरीदी होगी, उसमें आप पढ़ोगे इसको और ज्यादा, थ्योरेटिकल पोर्शन इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ओ ये मिस्टेक हो गई, डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल काम है पोमीट। ओके, तो ये है हमारी बेंजीन, थोड़ा सा सेंटर में नहीं आ रहा है सर्कल, थोड़ा सा आप ओके अब सेंटर में है, स्टिल नॉट इन सेंटर। ओके चलो चलाते हैं थोड़ा इसको, थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देते ताकि हमें थोड़ा सेंटर में लगे। ओके चलो, तो ये है हमारी बेंजीन रिंग। ओके, अब जैसा कि हमें पता है बेंजीन रिंग में क्या होता है, बेसिकली ये जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे कि हमने पढ़ा है ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने तो इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ी है तो अच्छे से बताया है कि किस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते रहते हैं, पूरे रिंग में घूमते रहते हैं इस तरह से, ठीक है। इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, डायनेमिक नेचर के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन के, ये रिंग में घूमते रहते हैं इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमते रहते हैं इस तरह से, और क्योंकि ये घूमते रहते हैं तो इन पाई इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो है चुंबक के क्षेत्र जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन सर्कल, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट्स
इन द बेंजीन रिंग. ठीक है, क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक हमारा फील्ड क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम इसे कहते हैं प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र. ठीक है, वो जनरेट हो जाता है. अब क्या होता है कि यहां पे अगर आप ध्यान दो, तो मैंने जैसे बताया था आपको कि यहां पे बेंजीन रिंग के बाहर की तरफ हाइड्रोजन्स लगे हुए रहते हैं, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है. ठीक है, अब अंदर तो जो है वो जनरेट हो रहा है क्या, रिंग करंट, अंदर तो जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, बेंजीन का अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से. ठीक है, और अब हम कहे कि इसका खुद का तो चलो हो रहा है, पर अगर हम क्या करें, बाह्य चुंबक के क्षेत्र लगा दें, क्या करें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दे एच नोट, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दे एच नोट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे. ठीक है, तो क्या होता है, इसके अंदर जो ये जनरेट हो रहा है, मुझे इसको बिगाड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है, इतना सुंदर लग रहा है मुझे ये सर्कल. ओके, तो इसके अंदर जो ये जनरेट हुआ है ना, इनके घूमने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, वो क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया है किसी सोर्स के थ्रू, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, उसके साथ करता है इंटरैक्ट, उसके साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है. और इस इंटरैक्शन की वजह से यहाँ पे जितने भी ये कार्बन्स होते हैं, जितने भी ये कार्बन्स होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, शील्डिंग हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है, शील्डिंग हो जाती है. कैसे, देखो ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपने लगाया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, और ये जो यहाँ पे आपका इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं. तो जैसा कि अगर आपको 3D में बताओ, तो ये एक प्लेन में है इस तरह से, ठीक है, ये जो है रिंग अगर इस प्लेन में है इस तरह से, तो यहाँ नीचे से लगा और इसका खुद का जनरेट हो रहा है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ पे अपोज करते हैं. तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग थी, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग थी, उसके जो कार्बन्स थे ना, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से शील्ड हो जाते हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पे गार्डेड हो जाते हैं, शील्डेड हो जाते हैं, परिरक्षित हो जाते हैं. ठीक है, तो जो हमने कहा कि कार्बन तो जो है वो परिरक्षित हो जाते हैं, शील्ड हो जाते हैं. ठीक है, पर हाइड्रोजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाइड्रोजन तो बाहर की तरफ है, कार्बन आपके अंदर की तरफ है, अंदर जो है वो जनरेट हो रहा है, पर ये हाइड्रोजन तो है यहाँ पे बाहर की तरफ है, इन हाइड्रोजन्स पे क्या असर पड़ेगा. तो हाइड्रोजन्स जो है, बेसिकली आप यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड जैसे जैसे लगा रहे हैं, तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो क्या है, बाहर की तरफ है, तो इनकी जो है वो डी शील्डिंग हो जाती है. क्या हो जाती है, डी शील्डिंग हो जाती है, इनकी डी शील्डिंग हो जाती है. मैं यहाँ पे लिखती हूँ डी शील्डिंग हो जाती है. प्रोटॉन कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन एटम, इनकी हो जाती है डी शील्डिंग. और यहाँ बीच में जितने भी हैं कार्बन वगैरह, ठीक है, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे उनकी हो जाएगी यहाँ पे क्या, शील्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी उनकी शील्डिंग. लिख ले, क्लियर है इतना, ठीक है.
अब इनमें होने वाली शील्डिंग और डी शील्डिंग को आप किस तरह से जो है वो बता सकते हो, तो उसके लिए एक मेथड है, इनका यूज कहाँ है, ये शील्डिंग डी शील्डिंग हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं ये कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो एक डायमैग्नेटिक रिंग करंट जो है वो जनरेट करता है। और उसका मतलब क्या है, डायमैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट करने का मतलब क्या है, मतलब सिर्फ इतना है कि ये रिंग करंट जनरेट हुआ है डायमैग्नेटिक इंड्यूस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसकी वजह से कार्बन जो है जिसके सारे के सारे उनकी शील्डिंग हो गई, जो हाइड्रोजन है उनकी डी शील्डिंग हो गई। ये सारा का सारा क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, एक उसकी विशेषता है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब गुणों का जो है वो यूज कहाँ है, तो यूज इनका है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी हमें स्टार्टिंग में जो है वो कोई इनकी आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होती है उनकी, ठीक है, आपको पता करनी होती है कि उनमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, ओके, किस किस टाइप के हाइड्रोजन है, किस तरह की बॉन्डिंग है, वो सब कुछ जो है आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता करते हैं, ओके। और उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हिंदी में आप इसे कहते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमिकी, राइट, ओके। सो ये जो हमने अभी पढ़ा है डायमैग्नेटिक रिंग करंट जो जनरेट हुआ है, ये सारा मिला के क्या कहते हैं हम इसे, कि हमारे जो बेंजीन है जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें डायमैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट हुआ है, ओके। और डायमैग्नेट याद रखना हमेशा, डायमैग्नेटिक रिंग करंट में क्या होता है, जो सेंटर में जो आपके एटम लगे होते हैं उनकी तो शील्डिंग हो जाती है, उनकी तो क्या हो जाती है, शील्डिंग हो जाती है, और जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डी शील्डिंग हो जाती है डायमैग्नेटिक रिंग करंट में, ठीक है। कुछ जो है वो एंटी एरोमेटिक, अभी तो हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, कुछ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें पैरामैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट होता है जिसकी वजह से सेंटर वाले जो एटम्स हैं उनकी डी शील्डिंग होती है और जो बाहर वाले एटम्स हैं उनकी डी शील्डिंग हो जाती है, उनकी शील्डिंग हो जाती है, राइट, ओके। तो ये तो था वो, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा। मैं अब यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि ये जो हमने अभी पढ़ा उसका यूज कहाँ है, तो उसका यूज है आपके एनएमआर में। एनएमआर जो है वो क्या होती है, एक तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिससे आप किसी भी कंपाउंड में का जो स्ट्रक्चर जो है, कि पहले पता थोड़ी होता है आपको, दिखता थोड़ी है, लैब में भी आप केमिकल्स देखते हो आपको कोई फॉर्मूले थोड़े दिखते हैं कि ये कार्बन रहा, ये जो है वो हाइड्रोजन रहा, ये ऑक्सीजन रहा, इसने जो ये बेंजीन है बेंजोइक एसिड, नहीं, आपको कंपाउंड दिखता है नॉर्मल, पर उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, तो उसको फॉर्मूला जो है डिटरमाइन करने के लिए एनएमआर का बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनएमआर से ही पता लग जाएगा, बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी कंबाइनली जो है यूज की जाती है और फाइनली जो है उन एक कंपाउंड का जो है फॉर्मूला डिसाइड किया जाता है। तो एनएमआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एटम्स के बारे में पता करने में, एटम्स के अरेंजमेंट के, किसी कंपाउंड में एटम्स का अरेंजमेंट क्या है उसके बारे में पता करने में, ठीक है। तो यहाँ पे वो यूज में आती है। तो एनएमआर में जो है बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ग्राफ यूज में लिया जाता है, आप एक तरह से कहें तो ग्राफ कहेंगे, और आपको देखने पे लगेगा कि अरे ये तो उल्टा है, ऐसे ही लिया जाता है, पर ठीक है ऐसे ही लिया जाता है।
यहाँ पे जो एनएमआर होता है उसमें रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है वो लिया आप यहाँ पे कई बार जो है बीच में हो सकता है आपको सुनने में मिले टेट्रा मिथाइल मिथाइल सिलेन, टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक है, ये टेट्रा मिथाइल सिलेन ये कंपाउंड होता है। तो एनएमआर जब हम बात करते हैं एनएमआर में हम जो है इस मॉलिक्यूल को जो है वो एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। रेफरेंस यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो इसका एनएमआर सिग्नल होता है, इसका एनएमआर सिग्नल होता है वो 0 ppm के पास होता है। इसका एनएमआर सिग्नल क्या होता है, वो 0 ppm होता है, राइट। इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, हम इसको जो है एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। जितने भी आपके मॉलिक्यूल को हम स्टडी करते हैं एनएमआर में, एनएमआर में इसलिए बता रही हूँ कि बहुत बार आपको अलग अलग यूनिट में भी इसको जो है वो देखने को आपको मिलेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी आपके सेकेंड ईयर में तो है ही है ये, ठीक है, चलो तो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होगा। तो यहाँ पे हमने लिया टेट्रामिथाइसिलिन जो रेफरेंस के तौर पे लिया। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिन प्रोटॉन्स का, सबसे पहली बात कि सारे के सारे एनएमआर सिग्नल नहीं देते, ओनली C13 अगर हमारे कंपाउंड में है तो वो देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, ठीक है, और भी जो है F19 देते हैं, कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे जो है एलिमेंट है वो एनएमआर सिग्नल देते हैं। और उन एलिमेंट्स में भी जो है उनके कुछ विशेष आइसोटोप्स होते हैं वो ही एनएमआर देते हैं, जैसे कि C12 जो नॉर्मल कार्बन होता है वो एनएमआर सिग्नल नहीं देता है पर C13 देता है, इसी तरह से प्रोटोन देता है, राइट। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये कार्बन का तो हमें पता नहीं है कि C13 है कि नहीं, हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर ले यहाँ पे प्रोटोन की, तो प्रोटोन क्या है यहाँ पे डी शील्डेड है, प्रोटोन क्या है डी शील्डेड है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डी शील्डेड जो भी होता है उनकी जो डेल ppm यानी कि एनएमआर सिग्नल जो मिलता है वो टेट्रामिथाइसिलेन से ज्यादा मिलता है, वो लेफ्ट साइड में जो है वो मूव करता है, टेट्रामिथाइसिलेन से जो है वो ज्यादा मिलता है, लेफ्ट साइड में मूव करता है प्रोटोन, किसमें एनएमआर में, राइट, डी शील्डिंग के केस में। जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतनी ज्यादा टेट्रामिथाइसिलेन की तरफ जो है वो वैल्यू बढ़ेगी डेल की, जितनी ज्यादा डी शील्डिंग होगी उतनी ज्यादा टेट्रामिथाइसिलेन से वैल्यू दूर जाएगी एनएमआर की, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये था एनएमआर का केस कि किस तरह से जो है वो हम शील्डिंग डी शील्डिंग या डायमैग्नेटिक रिंग करंट जो ओवरऑल इसको कहते हैं हम जो है उसका यूज में उसको यूज में लेते हैं एनएमआर में। अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन क्योंकि एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कि क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लिख लेते हैं ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि ये जो है 4n+2π इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करता है यानी हक्कल रूल को फॉलो करता है। ये बेंजीन आपका प्लेनर भी है, ये बेंजीन आपका साइक्लिक भी है, इस बेंजीन में आपके कॉन्जुगेटेड डाइईन भी है, और इसी बेंजीन में जो है डायमैग्नेटिक रिंग करंट भी जनरेट हुआ, डायमैग्नेटिक रिंग करंट भी बनता है, ठीक है। तो ये बेंजीन क्या है हमारा, इसलिए एरोमेटिक है। तो बेंजीन का जो एनएमआर सिग्नल बेसिकली आपको मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, ज्यादातर देखने को मिलेगा डेल की वैल्यू यहाँ 7 से 8 ppm के बीच में, 7 से 8 ppm के बीच में आपको देखने को मिलेगी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी, ज्यादातर, जरूरी नहीं है हमेशा, ज्यादातर जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो एनएमआर सिग्नल है वो आपको 7 to 8 के बीच में देखने को मिलेगी। पर जो बेंजीन का एनएमआर सिग्नल होता है, वो होता है 7.27 ppm, ये इतना होता है। हालांकि ये फिक्स भी नहीं होता है, बहुत सारे जो है फैक्टर्स इस वाले
जो इसको है अफेक्ट करते हैं, वो बहुत लंबी स्टडी है। ओके, बहुत आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसको अच्छे से और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा काम इतना ही है कि हम डायमैग्नेटिक रिंग करंट को समझें और उसका रोल एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है वो हम देखें। ठीक है, तो यहाँ पे ही इस वीडियो को हम जो है वो एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम हकल रूल को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, फ्रोस्ट डायग्राम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो आप जो है फ्रोस्ट डायग्राम से एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके चलो, ओके ओके, एक पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे ये बताना भूल गई मैं। हाँ, बेंजीन में मैंने कहा कि ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ठीक है, करता है, फाइन। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप क्या कहेंगे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसको 6 करने के लिए, 4n+2 को 6 करने के लिए n की वैल्यू कितनी करनी चाहिए हमें? n की वैल्यू 1 होगी। तो आपको कोई पूछ ले कि बेंजीन चलो एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसके n की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे बेंजीन के लिए n की वैल्यू जो है वो 1 होगी, क्योंकि तभी ये जो है वो हकल रूल को फॉलो कर सकता है। क्योंकि हमने तो पढ़ा है बेंजीन रिंग में जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तभी हो सकते हैं जब n की वैल्यू 1 हो। क्लियर है? चलो यहाँ पे ही इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं।